व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों को थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि चैनल किसी और का है बट स्टार्ट कोई और कर रहा है। एंड आज मैंने मतलब मैं ईशम ने ना एक्चुअली मेरे व्लॉग्स देख लिए सही में यूट्यूब वाले, और अब वो कह रहा है कि भाई मेरे तो बस की नहीं है, ये सब मेरे औकात के बाहर है, तू ही लॉर्ड है तो तू ही मेरा व्लॉग बनाएगा। तो अब इसने मेरे को व्लॉग दे दिया। अब जब मैं बोलूँगा तो छीन मेरे से फ़ोन आके, ताकि फिर डीप कट लगेगा और फन मोमेंट बनेगा, समझ रहे हैं? या अब ये तो डाल दियो, समझ रहे पॉलिटिक्स। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो कि ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ड्रामे। हाँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये आगे देखो, ये है हमारे दो कार्ड। क्या हाल है भाई के? बढ़िया भाई, आप भी बढ़िया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये अनमोल भाई है, इनको आपने पहली बार देखा होगा, ये इसको तो जानते ही हो। मेरा ही तो ब्लॉग है। तो आज हम कहाँ जा रहे थे, क्या नाम है म्यूजियम का? म्यूजियो, म्यूजियो नाम है, गुड़गांव में पड़ता है, हुडा सिटी सेंटर मेट्रो। हुडा सिटी सेंटर नहीं, इफको चौक उतरना है, इफको चौक उतरना है, गुड़गांव में। तो मेट्रो तो कहाँ जाना है हम बताते रहेंगे, बाकी आज हमने बहुत असाइनमेंट भी करने, तो आगे मिलते हैं। इसको करने मैंने नहीं करने, मैं बदतमीज हूँ, ये वेला है। चलो भाई मिलते फिर आगे, मेट्रो में वेट कर रहे हैं अभी। क्या टाइम हुआ है? ट्रिप में लेके जा रहे हैं भाई, फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी भाई, बैटरी चल जाएगी। अरे कोई दिक्कत ना है, बहुत बैटरी। तो गाइस ईशम, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हाँ ईशम शर्मा रहा है ब्लॉग करने से, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैं कितना, मेरी भी फंसती इन चीज़ों से, मैं बहुत ब्लॉग बना चुका हूँ, कहाँ कहाँ बनाए हैं मैंने। तो अभी बेसिकली हम मैजेंटा लाइन से उतर चुके हैं, हमें जाना है इफ्को चौक विच इज़ ऑन येलो लाइन। तो इसके लिए अभी हम स्विच कर रहे हैं, एंड मेरी थोड़ी सांस चढ़ गई क्योंकि मैं सीढ़ियाँ लिया, एस्केलेटर नहीं लिया, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बट या ये नहीं कर पाएगा आज। गाइज ये ब्लॉग मेरा था और मेरा ही रहेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं इफ्को चौक पे, इफ्को चौक है ना ये? इफ्को चौक हुड्डा सिटी सेंटर से एक पहले, छत्रपति शिवाजी नहीं, छतरपुर के कुछ देर बाद। भाई ये इफ्को चौक आ गए हम, उसने बता ही दिया है, अभी नीचे हम ऑटो लेंगे वहाँ से हम निकलेंगे आगे। जी बिल्कुल। क्या हाल है भाई के? मैं बहुत अच्छा। ध्रुव आ रहे हैं? हाँ। चलो भाई आनंद है उसका नाम, आनंद को भी मिलवाएंगे हम। वो ब्लॉग में नहीं आया ना आज तक? नहीं आया, पता है पता है, तो उससे भी मिलेंगे हम, तब तक नहीं मिलेंगे। आलम भाई इफ्को चौक आ गए, ये भी हमारे साथ है, ठीक है। ऑटो में बैठे हुए, अभी 10 मिनट लगेंगे मेट्रो स्टेशन, इफ्को चौक से 10 मिनट का रास्ता है, 20 रुपये सवारी लगती है। ये हमारा भाई बैठे हुए इधर, और ये हमारा रास्ता जाता जा रहा है। तो अब सीधा हम म्यूजियम के भी थोड़े शायद सिनेमैटिक्स भी लेंगे, सो आई होप कि आपको पसंद आएंगे। उसके अलावा एक चीज़ और थी कि जो भी म्यूज़ियम आ रहा हो भाई, वहाँ के जो कैफ़े हैं बहुत महंगे हैं, तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो ही वहाँ पे खाना, अदरवाइज़ बाहर कैफ़े आएंगे, अभी उनका मैं नाम डाल दूँगा नीचे जो भी मेरे को मिलते हैं, या तो जो मेट्रो स्टेशन पे आपको चिप्स वगैरह है घर से खाना लेके आना, क्योंकि वहाँ का जो क्या है कैंटीन महंगी है ना बहुत, हाँ कैंटीन महंगी है, तो भाई देख के आना, ठीक है। बाकी उधर ही मिलते हैं सिनेमैटिक्स के साथ। कौन है भाई? कोई नहीं, स्टार्ट कर दिया भाई ऑलरेडी, फोटो ले रहा है। हमारे दोस्त आ गए, नवनीत भाई, जसकरण भाई, पहली बार आपने व्लॉग में देखा होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब, एंड में बोलना होता है क्या? यहाँ पे ग्रुप फोटोग्राफी हो रही है। गुलाम सर है हमारे भाई, इतनी धूप हो रही है, सर है हमारे शूट हो रहा है इधर, फुल माहौल सेट है इधर, ये हमारा बुक स्टोर है छोटा सा इधर, यहाँ पे हमारे श्रेयस भाई फोटोग्राफी कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। सो भी अंदर चलने के बाद थोड़ा सा और बढ़िया दिखाएंगे, अब बाहर का बहुत हो गया, तब तक अंदर मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस प्रेजेंटिंग यू ऑल द म्यूजियम कैमरा सेंटर फॉर फोटोग्राफी आर्ट्स, काफ़ी बड़ा है अंदर से, ये डिज़ाइनर वॉल है। अभी पूरा टूर कराएंगे आपको, यहाँ से एंट्री हमारी, यहाँ पे म्यूजियम की हमारी एंट्री है भाई, शूट कर रहा हूं यार, क्या कर रहे हो यार? कुछ नहीं भाई, आ जाइए, ये हमारी एंट्री होगी इधर, अभी सब कर चुके हैं। यहाँ पे आपकी बेसिकली सारी 1835 से लेके जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर हो रखी हैं, ये पूरा ये टाइमलाइन की तरह एक शो कर रखा है पूरा। ये अगर मैं थोड़ा पीछे से दिखाऊँ, यू कैन सी टिल 2010 तक दिखा रखा है, ये बहुत सारे एंटीक कैमराज पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, सबके तो नाम मेरे को पता नहीं, ये टर्म्स हैं सारी, ये है सारा,
ये तो कोई पूरा सिस्टम है भाई। ये हमारे द स्टोरी ऑफ द कैमरा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैमरा लगे हुए हैं, ये हारमोनियम कुछ लगा हुआ। नेक्स्ट ये हमारे बेस्ती सारे लग रखे हैं। अरे तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे दिखाएंगे आप लोगों को। ये बन रखे पूरे, फिर अपना भाईचारा कैमरे में आ रखे। ये अगर मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ बढ़िया सी, ये कुछ देखो भाई, लो लाइट में देखो भाई, भाई जूम करके दिखाओ ना मेरे लोग को भाई, क्वालिटी देखो भाई पिक्चर्स की, जस्ट सी द क्वालिटी। और ये देखिए पूरा वेरी मच। और ये हम आगे आते भाई, थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, एक बार से ट्रांजिशन लेंगे। ठीक भाई चलो अब मारते सीधा एग्जिट। भाई ये दूसरी एंट्री है हमारी, ये बड़ा सा हारमोनियम पड़ रखा है इधर, ये पूरी वॉल्स हमारी पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल ये दिखा दूँ, एक ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो भी फिगर्स हैं दे रखे हैं, बहुत सारे कैमरे आपको पोलरॉइड SLR DSLR पुराने जमाने के कैमरा बहुत मिल जाएंगे। ये हमारी DJ की लाइटें लगी हुई हैं इधर पूरी बढ़िया वाली, हमारे इधर निकॉन के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा। गाइस ये शॉप पे देखो, साफ सी बात है आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपको फालतू की बोरिंग चीजें दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ जब फ्रेंच लोगों को पुराने जमाने में घर पे सोफे के बीच में ऐसे गैप होता था, तब उसमें सिक्के गिर जाते थे या कुछ गिर जाता था, तो उनको पता कैसे चलता था, उन्होंने ये कैमरा बनाया। आप देख सकते हो, ये मेरे को दिखाया जाए, पूरा सिस्टम लगा हुआ है इधर तो। क्या नाम है इसका? स्टीरियो ग्राफिक्स भाई, बहुत हो गया। अब आपको एक बढ़िया सी चीज़ लेके जाते हैं, ठीक है, चलो एक रील दिखाएंगे बढ़िया सी। क्या मिल गया आपको? दिखा रहा है आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, आज आपने 2009 में गजनी देखी होगी, लेकिन गजनी का वो कैमरा कहाँ है जिसमें वो सारी फोटो है? वो यहाँ पे, ये रहा वो वाला कैमरा, गजनी वाला कैमरा। एंड बेसिकली गजनी जब ठीक हो गया था उसके बाद उसने वो कैमरा आके इस म्यूजियम में दे दिया, एंड अब वो संजीता की आत्मा के साथ बहुत खुश है। ये देख लीजिए, ये भाई ने बहुत हेल्प करी मेरी कंटेंट में, और ग्रीन वाला कैमरा दिखाएंगे हारमोनियम वाला। चलो गाइस एक बार आपको वो स्कूटर भाई इसे तेरा चेत तक पे चल ले। गाइस इधर बच्चों का खेलने का कमरा लग रहा है, हम नहीं गा रहे एक बार वो दिखा दे कैमरा। गाइस एक बार आपको वो दिखा दे कैमरा बढ़िया। गाइस असली सिस्टम देख लो, ये है इन्वर्टेड इमेज आती है बिल्कुल अंदर, ये देखो वहाँ गार्ड खड़ा है, ये देखो इन्वर्टेड इमेज आ रही है बिल्कुल। और ये देखो यही प्रोजेक्ट करते करते पूरा, ये देखिए पूरी ग्रीन स्क्रीन लेके जा रहे हैं, देखो भाई क्या मस्त चीज है भाई। तो भाई वॉल्स हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया एकदम। यार देखो मेरे ख्याल से ना ये जगह ना थोड़ा बड़े लिखे लोगों के लिए, जिनको एक सेकेंड गाइस, ये ना थोड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए ज़्यादा है, अरे मतलब जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, पर यहाँ की जो एस्थेटिक्स हैं जो एक बार आपको दिखाता हूँ, ये भाई जो पूरा सिस्टम है सिस्टम नहीं भाई वाइब है बेसिकली है, कुछ तो है एस्थेटिकली प्लीजिंग यस, बट कई चीज़ें ऐसी है, फैक्ट्स हैं फिगर्स हैं जो पढ़ने में हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है सिंपली, है ना, इंटरेस्ट उसमें नहीं है, बट मज़ेदार है भाई। ये देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, नीचे फ्री का पानी बट रहा है इधर दीवारों पे पोस्टर लगे हुए फोटोज़ जैसे कि है, मतलब बेसिकली फ़ोटोज़ के साथ उनकी जो खींचने वाला है उसका और डेट दे रखी है कि कब खींचा हुआ, और बाकी सब ये वॉल्स पे ही हैं जैसे है गांधी जी की। ये है, ये देखिए पूरा भाई, यहाँ है भाई सही भाई, ये देखिए पूरा और जैसे फ़ोटो ले रखी है उसका दिखा रखा है इधर, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। गाइस सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम, ये मतलब बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पूरा, फर्स्ट फ्लोर पे अब अभी थे, अभी आ गए हम सेकंड फ्लोर पे।
ये लिफ्ट भी है इधर, ये मेरे ख्याल से ऑफिसेज रहेंगे। ये हमारा पीएन जा रहा है बैग टांग पे आगे। वही है बेसिकली, फोटोज हैं उनके बारे में, थोड़ी डिटेल्स हैं। आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये थोड़ा आपको शायद बढ़िया लगे। बढ़िया चीज बना रखी है भाई। ओए भोपू शादी वाला डीजे भाई, डीजे ये देखो भाई, थोड़ा नीचे मिलते हैं भाई। भूख नहीं लग रही बहुत ज्यादा भाई? भाई भूख लग रही है भाई, भाई भूख लग रही है। अब हम जा रहे हैं खाने पीने, यहाँ का तो हो गया, बाकी देखते हैं आगे और कुछ मिलता है तो। तब तक हम आपको थोड़े से लोग स्पॉट कराते अपने। देखो भाई झगड़ते हुए लोग, लड़ाई होगी भाई, मारो। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। एंड आई थिंक मतलब व्लॉग स्टार्ट अगर मैंने करा था तो एंड भी ऑब्वियसली मैं ही करूँगा। एंड मैंने ईशम को मैंने यही रिकमेंड करा कि वापसी में जाते हुए ना तो ऐसे कुछ खास है रास्ते में, ना कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए भी है, तो इसीलिए इस व्लॉग को इधर ही करते हैं एंड। तब तक भाई सब्सक्राइब कर लो, भाई ने भी बोल दिया तो भाई थैंक यू सो मच अगेन। और गाइस अब हम निकल रहे हैं, खाएंगे पियेंगे नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, घर जा रहे हैं, ब्लॉग को ही करते हैं। तब तक लिए टेक केयर एंड सी या, और हो सके तो शेयर भी कर देना, और म्यूजियम विजिट जरूर करना यार, बहुत प्यारी जगह है। ठीक है, तब तक लिए टेक केयर एंड सी या।